तो अभी हम वेयर हाउस में हैं और इस वेयर हाउस का टूर कराएंगे अभी अदीप भाई। तो हमारे सब बैरियर जो होते हैं, जो टोल्स पर जाते हैं, जो साइडों पर जाते हैं, अपार्टमेंट्स में लगते हैं, वो सब यहीं पर ही रखे जाते हैं। 3 मीटर 3 सेकंड, 4 मीटर 3 सेकंड, 6 मीटर 6 सेकंड, 3 मीटर 0.6 सेकंड, 3 मीटर 1 सेकंड, सभी तरीके के फ्लैप बैरियर, स्ट्रन स्टाइल। ये हमारा 3 मीटर 1 सेकंड का ग्रे बैरियर है और ये राउंड में हुआ हुआ है। तो ये है वेयर हाउस जहां सारे बैरियर पड़े हुए हैं। पार्ट्स देखने चलते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनियां हैं और सेल कर रही हैं, मगर मेन चीज क्या होती है कि आपने जब बैरियर लगा दिया उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए पार्ट्स चाहिए होते हैं। हमारे पास बूम बैरियर के ऑल पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। देख सकते हैं आप, हमारी छोटी से छोटी चीज जैसे कि फास्टनर्स, ये रबड़ लगती है बैरियर में, ठीक है सर। आप आगे आ जाइए, स्प्रिंग, ये बहुत छोटा पार्ट होता है लेकिन जब बैरियर खराब हो जाए तो ना मिले तो बैरियर बिल्कुल डेड हो जाता है जी। पुश बटन, और आप आगे आएंगे तो प्रॉक्सिमिटी कार्ड है हमारे पास, स्प्रिंग्स है बैरियर की, निकाल के दिखाओ, ये कार्ड होता है, ये कार्ड्स हैं। तो हमारे पास क्रैंक्स होती है इस टाइप की, सभी तरीके की क्रैंक्स हैं। हम पे मोटरें रखी हुई है, अगर कोई फॉल्टी हो जाए, किसी को न्यू परचेज करनी है तो उसके लिए मोटरें रखी हुई है। ये है सारे पार्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इस पोर्शन में हमारे जैसे रेस्टर हो गया, जो बूम आर्म के अपोजिट साइड लगता है, ये रेस्टर जिसपे बूम आर्म सपोर्ट लेता है, ये रेस्टर है, होल्डर है जो कि बूम आर्म में लगते हैं, ये 6 मीटर का होल्डर है हमारा, ये सारे होल्डर है जी। हर डिफरेंट डिफरेंट साइज के बूम आर्म होते हैं और सबों का अलग अलग बूम होल्डर होता है, तो ये सारे बूम होल्डर हैं। ये स्लाइडिंग गेट मोटर्स पड़े हुए हैं। तो ये पार्ट्स का सेक्शन है जहां पर सारे पार्ट्स अवेलेबल है। ये हाँ, जो हमारा येलो बैरियर होता है 6 मीटर का, ये उसमें लिमिट लगती है बैरियर में, तो ये वो है, ये जल्दी से अवेलेबल नहीं होती कहीं पे, उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, मगर हमारे पास सारे पार्ट्स अवेलेबल है। बूम बैरियर तो हर कोई बेच लेता है, लेकिन बूम बैरियर बेचने के बाद जब उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है या जब उसके पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो वो लोगों के पास नहीं होता। हमारे पास ये पूरा का पूरा पार्ट्स अवेलेबल है। ये पूरा पार्ट्स का कॉर्नर है, पार्ट है हमारा, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारे जो भी साइड पर से, टोल पर से जो भी कंट्रोल पार्ट आते थे फॉल्टी, वो रिपेयर के लिए यहाँ पे हमारे टेक्निकल अवेलेबल रहते हैं हमेशा, जो कि जो फॉल्टी कंट्रोल कार्ड होते हैं, मोटर होते हैं, तो वो यहाँ पर रिपेयर होता है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल कार्ड हैं और ये हेड हैं जो फॉल्टी हैं, जिसको हमने चेंज कर टोल्स पर, साइड्स पर अवेलेबल करा है। ये है वो स्टेशन जहाँ पर सारी कुछ पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है और ये हमारे कमर भाई हैं जो मास्टर हैं इसके और प्रॉपर इसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो ये वर्क स्टेशन है। तो ये रीडर्स हैं जो फॉल्टी हो गए, ये TCIP रीडर है, ये वीकेंड रीडर है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये फॉल्टी हैं तो इनको रिपेयर के लिए दूसरे पोर्शन में जाओ, जहाँ पे हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं इकबाल जी, ये वो टेस्ट करते हैं, तो ये अलग रखे हुए हैं। इनके बारे में बता दो, स्लाइडिंग गेट मोटर है, इसमें कई तरीके की आती है, 600 केजी की आती है, 1000 केजी की आती है, 2000 केजी की आती है, 1500 केजी की आती है, डिपेंड करता है कि गेट कैसा है और वेट कितना है। तो कई एक बार क्या होता है, लोग गेट पे इस बूम बैरियर को हिट कर देते हैं, पिचका देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हाउसिंग है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हाउसिंग है कि अगर किसी ने बूम बैरियर को हिट कर दिया और इसे डैमेज कर दिया तो दूसरा हाउसिंग वो ले सकते हैं। ये टर्नस्टाइल बैरियर है हमारे,
और ये वेंडिंग मशीन है, टिकट वेंडिंग मशीन है ये, पार्किंग में जहाँ जब आप पार्किंग में एंटर करते हैं तो ये बटन दबाने से टिकट बाहर आता है, तो वेंडिंग मशीन है ये। और ये है हमारे बूम आर्म का एरिया, यहाँ ये सारे बूम आर्म हैं, यहाँ हर साइज के बूम आर्म हैं, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 से 6 मीटर, हर तरह के बूम आर्म यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ स्लाइडिंग गेट मोटर के चेन चैनल है ये, ये एक्स्ट्रा मोटर है और ये स्प्रिंग है।